हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो बीएड के एग्ज़ाम हैं वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बच्चे जो हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले साल जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न था वो था एनी 5 क्वेश्चन का, और उसका रीज़न ये था कि पिछले साल जो है जैसे कोविड के केस आ रहे थे तो उसके चलते यूनिवर्सिटी ने एनी 5 का ऑप्शन दिया था। लेकिन अब की बार जो पैटर्न है वो चेंज है, यानी जैसे आपका कोविड से पहले जो पैटर्न होता था अब की बार सेम वही पैटर्न रखा गया है, जिसमें क्या होता था, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स का पेपर था वो था आपका 80 मार्क्स का, जिसमें क्या था आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आते थे आपके 4 क्वेश्चन, और वो 4 क्वेश्चन आपके होते थे 4-4 मार्क्स के, यानी 16 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको करना कंपलसरी होता है, यानी इसको आप छोड़ नहीं सकते। 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आती है आपकी यूनिट, यानी आपके सिलेबस के अंदर आपकी 4 यूनिट है, यानी हर एक यूनिट के अंदर क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपको दे देगा, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा, या तो आप पहले वाला कर सकते हो या दूसरे वाला, जो भी आपको अच्छे से आता है। और ये क्वेश्चन होते हैं आपके 16-16 मार्क्स के, यानी 4 यूनिट हो गई तो 16-16 मार्क्स के हिसाब से 64 के आपके ये यूनिट वाइज क्वेश्चन होते हैं, जो आप कोई भी कर सकते हो, यानी एक क्वेश्चन इनमें से कंपलसरी करना होगा, इसमें से आप छोड़ नहीं सकते, मतलब चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको चूज करके लिखना होगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर वाला, वो आपको चारों क्वेश्चन करने ही कंपलसरी है। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।